रात सुनवाई पूरी, अब सोमवार को होगी अगली सुनवाई। यूपी में 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम चुनाव के बाद होंगे प्री बोर्ड परीक्षाएं जनवरी में। राहुल गांधी की मांग, कोरोना के आंकड़े सही बताएं, कोविड पीड़ितों को 4 लाख मुआवजा मिले। मालेगांव विस्फोट मामले में आज विशेष एनआईए की ट्रायल कोर्ट में पेश होगी साध्वी प्रज्ञा। गौतम गंभीर बोले, आईएसआईएस कश्मीर से मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता करकर, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य की नई खेल नीति मंजूर दे दी गई। यह नई नीति खेल सुविधाओं के विकास, कम उम्र से खिलाड़ी तैयार करने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन पर फोकस किया गया है। राज्य के 14 से 23 साल तक के मेधावी खिलाड़ियों को खेल संबंधी जरूरतों के लिए छात्रवृत्ति, खेल किट, ट्रैक सूट और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 2600 खिलाड़ी को ₹2000 प्रतिमाह की छात्रवृत्ति भी उपलब्ध कराई जाएगी। खेल सुविधाओं के लिए इस वर्ग के खिलाड़ियों को हर साल 10,000 तक की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। विकासखंड नरेंद्रनगर के आगर गांव में यहां के पूर्व प्रधान मंगल सिंह रावत की स्मृति में प्रभु राम की 27वीं लीला का मंचन देख दर्शक की भीड़ उमड़ती जा रही है। लीला मंचन के प्रमुख दृश्यों में सूपनखा लीला, खरदूषण वध, सीता हरण, जटायु उद्धार का सुंदर मंचन किया गया है। पात्रों द्वारा बेहतरीन कला प्रदर्शन के साथ लीला का मंचन के दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया। इस मौके पर पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने अपने संबोधन में कहा कि बिगड़ते सामाजिक ताने बाने को एक सूत्र में पिरोने और मानवतावादी सोच विकसित करने को मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के चरित्र से सीख लेने की सख्त जरूरत है। संस्कृति प्रेमियों को, अपनी माता बहनों को, इस क्षेत्र की समस्त जनता को भी धन्यवाद देता हूं कि वो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए इतनी ठंड के मौसम में, क्योंकि अभी ठंड का मौसम ज़्यादा हो गया, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में वो फिर भी जो है अपनी संस्कृति को बचाने के लिए यहाँ पे रामलीला मंच में उपस्थित हुए हैं। मैं प्रणाम करता हूँ उनको, धन्यवाद देता हूँ और आगे भी जो है वो हमेशा अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ऐसे प्रोग्रामों को करते रहेंगे। पुनः रामलीला कमेटी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमन, अभिनंदन। आज हमारे यहाँ कोरोना काल के बाद दोबारा से रामलीला का मंचन हुआ है और मुझे बड़ा गर्व है कि रामलीला कमेटी ने हमारी इस पुरानी संस्कृति को। चंपावत में प्रबुद्ध जनों के बाद अब युवाओं ने एकत्रित होकर जिला अध्यक्ष दीप चंद पाठक के कैंप कार्यालय पहुंच दीप पाठक से 2022 में विधानसभा चुनाव में भाजपा से टिकट की मांग करने का आग्रह किया है। साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को भी पत्र भेजा जिसमें कहा गया है कि दीप चंद पाठक एक तेज तर्रार युवक है जिन्होंने हमेशा क्षेत्र के हर मुद्दे में मुखर होकर आवाज उठाई है। नशा मुक्ति की मुहिम भी उनके द्वारा चलाई गई जिसके हर वर्ग के लोग उनके अपना विधायक बनाना चाहते हैं। उन्होंने हमेशा पूरी निष्ठा से संगठन को मजबूत किया है। मैं उनकी भावनाओं की कदर करता हूं और उनका हृदय तल से सादर आभार व्यक्त करता हूं, परंतु मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता और एक जिला अध्यक्ष होने के नाते उनकी भावनाओं का कदर करता हूं और मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे टिकट की मांग की है, मैं उनका दिल से आभारी हूँ और पार्टी जनता पार्टी मुझसे विश्वास जताती है और मुझसे अगर चुनाव लड़ने का आग्रह करेगी तो निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मुझे अभी मेरे भारतीय जनता पार्टी संगठन ने पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी मुझे दी है और मैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे युवा प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को आप देखेंगे तो हमारे मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम उस बातों को घर घर तक पहुंचा रहे हैं और जहां भी हम लोग जा रहे हैं तो हमको बहुत अच्छा समर्थन हमको भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और निश्चित रूप से हम दोनों विधानसभाएं चंपावत जिले की जीतेंगे और जो 60 पार का नारा है। काला डूंडी के बैल पड़ाव के डाक बंगले में भारतीय जनता पार्टी की बूथ कार्यशाला का आयोजन किया गया जहां प्रदेश संयोजक मनोज पाठक और काला डूंडी विधानसभा के बूथ प्रभारी गोपाल बिश के नेतृत्व में बूथ कार्यशाला पर चर्चा की गई। साथ ही बूथ पर जाने वाले कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी गई। इस मौके पर गोपाल रावत ने कहा कि हम बूथ
बूथ पर जाकर पार्टी के अध्यक्ष और संयोजकों को कमर कस के आगामी चुनावों के लिए तैयार होने के दिशा निर्देश दिए हैं। बूथ पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक बार फिर पुनरीक्षण करेंगे और पन्ना प्रमुख के साथ साथ पन्ना टोली बनाएंगे। इसकी कार्य योजना यहाँ पर बनाई गई। इसके लिए बूथ पर जाने वाले कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग बहुत सकारात्मक रही। 25 तारीख को हमारे सारे इस बेलपड़ा क्षेत्र के समस्त बूथों पर बैठक होने वाली है। बहादुराबाद की शांतर शाह चौकी क्षेत्र में रात के अंधेरे में अवैध खनन का खेल चलाया जा रहा है। खनन माफियाओं ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। आपको बता दें कि माफियाओं ने रात के अंधेरे में रतमऊ नदी और उससे लगी लोगों की जमीन से बड़े पैमाने पर मिट्टी उठा ली है और खेतों में उगाई जा रही है। साग सब्जियों की फसलें भी बर्बाद कर दी है। वहीं गुस्साए किसानों ने रोड जाम कर दिए हैं और वहीं स्थानीय लोगों का कहना यह भी है कि क्षेत्रीय लेखपाल और वन विभाग की टीम मौके पर कई बार आई और तीन तीन कार्यवाहक तंत्रों को शिकायत करने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। खबर बहादुराबाद से है जहां खनन माफियाओं का चल रहा है अवैध खनन, बर्बाद की जा रही वह फसलें। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्रीय लेखपाल और वन विभाग की टीम मौके पर कई बार आई और तीन तीन कार्यवाहक तंत्रों को शिकायत करने के बाद भी अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से खनन माफियाओं ने अपना हड़कंप मचा रखा है। वहीं गुस्साए किसानों ने रोड जाम कर दिया और स्थानीय लोगों का कहना यह भी है कि क्षेत्रीय लेखपाल और वन विभाग की टीम मौके पर कई बार गई तो है लेकिन तीन तीन कार्यवाहक तंत्रों की शिकायत करने के बाद भी अब तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। खनन माफियाओं का चल रहा है अवैध खनन बहादुराबाद में। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से अवैध खनन किया जा रहा है जहां किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी फसलें बर्बाद की जा रही हैं। गुस्साए किसानों ने रोड जाम भी किया है। उनका कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामपाल सैनी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो रामपाल, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस खबर पर? रामपाल, आपको आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं? आवाज कट रही थी। हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है रामपाल सैनी से। चंपावत के खटीमा वार्ड नंबर 14 के सभासद पावर सुगुप्ता ने वार्डवासियों को श्रम कार्ड वितरण किए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा सभी के श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने श्रम कार्ड के ऊपर 2 से 5 लाख तक के बीमे की जानकारी दी और श्रम कार्ड के फायदे और उपयोग के बारे में भी बताया। श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी के एक योजना श्रम विभाग की चलाई थी जिसमें आज हमारे वार्ड नंबर 14 के करीब 40 परिवारों को श्रम कार्ड का बनाया गया और श्रम कार्ड के बारे में
माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना चलाई गई है कि जैसे आम इनका सभी जिनके श्रम विभाग बने हैं कार्ड बने हैं उनको 5 लाख तक का, 2 लाख से लेकर 5 लाख तक का, कभी ऐसी बात हो जाती है कोई दुर्घटना घट जाती है कोई, तो उसके लिए उनको 5 लाख रुपए तक का श्रम विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी योजना के तहत मिलेंगे। और इनकी अगर बेटी की शादी करेंगे, इनकी बेटी शादी के लिए भी 25,000 रुपये इनको। हल्द्वानी के एफटीआई मैदान में राज्य सरकार के दिशा निर्देशों पर नैनीताल जनपद में खेल विभाग द्वारा खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें खुली प्रतिस्पर्धा के दौर पर उन खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया जिनकी स्कूली पढ़ाई किसी कारणवश छूट गई है या वे खेल प्रतियोगिता के शौकीन है। जहाँ खेल महाकुंभ के जिले भर के कई विकास खंडों से विभिन्न विद्यालयों के स्कूली बच्चों ने भी प्रतिभाग किया, तो वही खेल महाकुंभ का शुभारम्भ नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया और हल्द्वानी ब्लॉक प्रमुख रूपा देवी के द्वारा किया गया है। खेल महाकुंभ 2021 की जनपद स्तरीय प्रतियोगिताएं यहां पर प्रारंभ हो रही हैं आज एफटीआई के खेल मैदान में। अभी हम जो है अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 21 इन तीन आयु वर्गों में एथलेटिक, कबड्डी, खो खो और बैडमिंटन प्रतियोगिताओं का आयोजन यहां पर कर रहे हैं। 3 दिवसीय प्रोग्राम है 23, 24 और 25 को। और बैडमिंटन प्रतियोगिता जो है वो हमारी शगुन गायत्री बैडमिंटन अकेडमी पीली कोठी में आयोजित की जा रही है, जो कि 24 और 25 को होगी। और इसमें हमारे शिक्षा, खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग, पंचायती राज, ग्राम विकास, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, सभी की पूरी एक टीम वर्क कर रही है। 2 साल बाद यहाँ पर जिला स्तरीय खेल महाकुंभ किया जा रहा है, जो 3 दिन का यहाँ पर खेल महाकुंभ है। और कोविड की वजह से नहीं हो पाया है, इससे हमारे बच्चों के, खिलाड़ियों के विकास में और उनके स्वास्थ्य में बहुत कमी हो आती है, क्योंकि खेल जो है हमारे बच्चों के लिए आज के दौर में बहुत ही ज़रूरी है स्वस्थ जीवन के लिए। और खेल के साथ साथ जो हमारे बच्चे विकास खंड से चयनित होकर आज यहाँ पर जिला स्तरीय स्तर पर उनका खेल प्रतियोगिताएँ की जाती हैं, तो आज जो वो उन बच्चों का 8 विकास खंड से आए हुए हमारे खेल प्रतियोगिताओं का जो चयन होगा वो नेशनल और इंटरनेशनल तक जाएगा। तो मैं इन सभी बच्चों को शुभकामनाएं देती हूं और आशा करती हूं कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए जहां हल्द्वानी में 1 नवंबर से 3 दिसंबर तक मतदाता पहचान पत्र बनाने का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, तो वहीं बूथ लेवल पर बीएलओ के माध्यम से मतदाता पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं, जिसको लेकर हल्द्वानी की सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने टीम के साथ बनभूलपुरा क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में जाकर लोगों को मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए जागरूक किया। जहां सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह का कहना है कि मतदाता पहचान पत्र लेकर उनके द्वारा लोगों को जन जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है, तो वहीं जिले में खासकर मैदानी क्षेत्र में लोगों ने कोविड-19 की सेकेंड डोज नहीं लगवाई है, जिसके चलते उन्हें कोविड की दूसरी डोज लगाने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। लक्ष्य लगभग 7,60,000 है और फर्स्ट डोज हमारा 70% हो चुका है। हाँ, चिंता का विषय ये है कि हमें सेकेंड डोज और जल्द से जल्द बढ़ाना है, और इस वर्ष कम से कम 15 दिसंबर तक जो हमारा एक अपना टारगेट है कि हम लोगों को ख़त्म करना है, तो आज इसीलिए हम लोग सारा राजपुरा है, हमारा बनफूलपुरा है, ढोलक बस्ती, इंदिरा नगर में हम लोग पूरा वॉकथन कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। आपके माध्यम से भी मैं निवेदन करना चाह रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग आइए और तुरंत अपना सेकेंड डोज लगाइए। हमारी टीम्स 25 टीमें पूरे हल्द्वानी शहर में ही हैं, मोबाइल टीम भी है, तो किसी को भी अगर लगाना है, जैसे बाहर मुझे पता है कि काफ़ी लेबर जो बाहर नौकरी भी करते हैं या रात में आते हैं, उसके लिए भी हमारे पास जैसे जवाहर नगर है, और जो लोग लेबर्स बाहर जाते हैं और रात शाम को 6 बजे आते हैं, उनके लिए भी इस माध्यम से मैं कहना चाह रही हूँ कि जब वो वापस घर आए, हमारी आशा एनएम के माध्यम से या मुझे खुद स्वयं भी अगर वो मुझे बता दें, तो हमारी टीम उनके घर घर दस्तक के माध्यम से भी हम टीका लगा रहे हैं लोगों के घरों में। हमारा
जो है मतदाता पहचान पत्र बनने का जो हमारा पुनरीक्षण कार्यक्रम है वो 1 तारीख से 30 नवंबर तक के लिए चल रहा है, जिसके लिए प्रत्येक बूथ पर बीएलओ बैठी हुई है। तो हम लोग प्रत्येक दिन बूथों का निरीक्षण करते ही है। साथ ही जो हमारा ये बनबोलपुरा क्षेत्र है इसमें चूंकि पहचान पत्र काफ़ी कम बने हुए हैं, लोगों ने अपने फॉर्म 6 काफ़ी कम भरे हैं, नाम कम जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा एक लोगों को जागरूक करने के लिए क्षेत्र में एक ये अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पे सभी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे सहयोग के लिए अपील की गई है, लोगों को भी जागरूक किया गया है कि वो अपना नाम जो है प्रत्येक दशा में 30 तारीख के पूर्व जुड़वा लें, वरना वो वंचित रह जाएंगे इससे। और इसके साथ ही साथ जो हमारा कोविड वैक्सीनेशन में सेकेंड डोज है वो भी बहुत परसेंटेज इस एरिया में कम है, तो उसके लिए भी लोगों को जागरूक और अपील किया गया है कि अगर हमको थर्ड लहर से बचना है तो निश्चित ही हमको वैक्सीनेशन की दोनों डोज लेना अनिवार्य है। तो उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।